आज घरेलू गैस हुआ सस्ता, घरेलू गैस में आई भारी गिरावट, घरेलू गैस ने मचाया था हल्का, घरेलू गैस ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, आज कई दिनों बाद घरेलू गैस हुआ सस्ता। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेट्रोलियम प्राइस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे आज का घरेलू गैस का भाव क्या है और घरेलू गैस में आई भारी गिरावट और आज घरेलू गैस कितना ज्यादा सस्ता हुआ है और पिछले एक महीने में क्या रहा घरेलू गैस का भाव और आज एक किलो घरेलू गैस का भाव क्या है और LPG गैस से जुड़ी सारी बड़ी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। और साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपना समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और दोस्तों आप कौन सा गैस यूज करते हैं, भारत गैस, HP गैस या इंडियन गैस? दोस्तों अगर आप अपने जिले के घरेलू गैस के भाव जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिसे वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं आज सुर्खियों के बारे में, इसके बाद आपको बताएंगे आज एक सिलेंडर का भाव क्या है। दिल्ली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी भाजपा, बजट सत्र 10% बढ़ाने की मांग। दो दिन में तीसरी आसमानी भिड़ंत, ब्रिटेन और जर्मनी के फाइटर जेट ने रूसी विमान को खदेड़ा। 14 वर्ष से शिक्षा विभाग की आंख में धूल झोंक कर 4 जिलों में नौकरी कर रही थी अमिता शुक्ला, STF ने पकड़ा सिद्धार्थ नगर में फर्जीवाड़ा। भगवंत मान सरकार के 1 साल पूरे होने पर केजरीवाल ने किया ट्वीट, बोले रंगला पंजाब बनाएंगे। कोलकाता में 2024 की स्क्रिप्ट लिखेंगे अखिलेश यादव, विपक्षी एकता में कांग्रेस की भूमिका पर होगी बात। किसान अब अगली किस्त के साथ ले सकते हैं अटकी हुई किस्त, करना होगा एक छोटा सा काम, खाते में आएंगे 4000 रुपए। भरी संसद में रेल मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलेगी छूट। शराब घोटाले में सिसोदिया के जेल जाने में आपको 3 घाटा, अब 3 फायदा के लिए केजरीवाल का दांव। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले 5 सालों में खत्म कर देंगे पेट्रोल डीजल की निर्भरता, लोगों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में लीक नहीं हुआ मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का पेपर, शिक्षा मंत्री ने बताई सच्चाई। 28,500 करोड़ रुपए से संवरेगी UP की सड़कें और ब्रिज, केंद्र से मिली अब तक की सबसे बड़ी राशि। क्रिकेट का गजब का दीवानगी, नेपाल में क्रिकेट को लेकर फैंस के बीच दिखा गजब का उत्साह, मैच देखने के लिए पेड़ों पर चढ़े लोग, देखें तस्वीरें। सेना होगी और ज्यादा मजबूत, खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ के हथियार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी मंजूरी। पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का इनकार, वित्त मंत्री ने विधायक के सवाल पर दिए जवाब। देश में फिर कोरोना हो रहा बेकाबू, केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिख चेताया। दिसंबर तक अब फ्री मिलेगा अनाज, 1242 करोड़ के बजट पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में आलू निकाल सकता है नेताओं का दम, बम्पर पैदावार से टेंशन में है किसान। PM नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, 24 मार्च को 1650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। US मिलिट्री ने रूसी जेट से ड्रोन से टकराने वाली वीडियो जारी किया, घटना के बाद से अमेरिका रूस में जबरदस्त तनाव। दिल्ली समेत कई राज्यों में 5 से 6 दिनों तक बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग, ECI से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, फारूक अब्दुल्ला बोले एक राज्य जो भारत का ताज है। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अगले महीने से 20% बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। UP सरकार को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी सूची को लेकर आदेश, सरकार तैयार करे समायोजन। 20,000 विद्यार्थियों को 27 मार्च तक जमा करवाने होंगे टैबलेट, नहीं तो बोर्ड जारी नहीं करेगा परीक्षा परिणाम। UP में 23 साल बाद फिर हुआ विरोध, साल 2000 की हड़ताल में 25,000 बिजली कर्मी किए गए थे बरखास्त। UP में H2N2 वायरस को लेकर अलर्ट, 75 जिलों में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के दिए योगी ने निर्देश। महाविद्यालयों में हर छात्र को मिलेगा परिवेश, सरकार की यह जिम्मेदारी है, मंत्री ने सदन में दी जानकारी। 4 बैंक खातों में 42 लाख रुपए फ्रीज, गिरफ्तारी का खतरा, यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए बढ़ती जा रही है मुश्किलें, भाग रहा है पुलिस से बचकर। बिहार में OPD के समय को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश, मरीजों को मिलेगी अब खास सुविधाएं, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में खर्च होंगे 20,000 करोड़, बनेंगे 3 डबल डेकर फ्लाईओवर, 2 पर चलेगा ट्रैफिक और सबसे ऊपर दौड़ेगी मेट्रो। महाराष्ट्र में OPS के लिए धरने पर बैठे कर्मचारी, तो शिंदे सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों से कर ली हायरिंग। UP बोर्ड में मूल्यांकन में मिली त्रुटि तो कटेगा पैसा, परीक्षक 3 वर्ष के लिए घोषित होंगे अयोग्य।
महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में सुनवाई पूरी, 5 जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। 70,000 करोड़ के खर्च से खरीदी जाएगी हाल बीतर तोपे और ब्रह्मोस मिसाइलें, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी। आपसे मिलने वाली पीड़ित महिलाओं की डिटेल दे, राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, 6 राज्यों में केस बढ़ने पर केंद्र ने दिए निर्देश, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी। सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 10% आरक्षण, फिजिकल फिटनेस जांच में भी दी जाएगी छूट। अफगानिस्तान को मान्यता देने को लेकर भारत की दो टूक, हमारा रुख नहीं बदला। प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए ई पोर्टल के प्रस्ताव पर चल रही है चर्चा, किरण रिजिजू ने दिया बयान। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत हो, बचाव में उतरे सैम पित्रोदा। ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में गिरी, केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा जंग होते होते बची। लखनऊ में बारिश शुरू, मार्च में हुआ सावन का ऐसा, तापमान लुढ़का, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऑस्कर अवार्ड में भारत का नाम दर्ज कराने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विश्वेपर बनी। H3N2 वायरस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली सरकार ने कल बुलाई DDMA की बैठक। बागेश्वर धाम सरकार की महाराष्ट्र में नो एंट्री, महाराष्ट्र में अंधविश्वास फैलाने वालों की कोई जगह नहीं, धीरेंद्र शास्त्री की विरोध में कांग्रेस ने शिंदे को लिखा पत्र। PMO अधिकारी बनकर जम्मू और कश्मीर के अफसरों से मिला ठग, महीनों तक किया LOC का दौरा, ऐसे हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र में H3N2 की दहशत, 3 मरीजों की मौत के खबरों पर सरकार ने जारी किया बयान। फेसबुक के मेटा में छटनी का दूसरा राउंड शुरू, इस डिपार्टमेंट में 1500 लोग हो जाएंगे बेरोजगार, रिपोर्ट में खुलासा। अब लंदन में सब देखेंगे भारत का कोहिनूर टावर, आप लंदन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा हीरा। अमेरिका पर 33 मिनट पर परमाणु बम गिरा सकता है उत्तर कोरिया, डिफेंस सिस्टम में है 6 दुश्मन, चीन की चेतावनी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज एक सिलेंडर का दाम क्या है। हैदराबाद में एक सिलेंडर का दाम 1205 रुपए 28 पैसे, ईटानगर में एक सिलेंडर का दाम 1228 रुपए 56 पैसे, मोरी गांव में एक सिलेंडर का दाम 1214 रुपए 64 पैसे, अररिया जिले में एक सिलेंडर का दाम 1256 रुपए 84 पैसे, मुंगेली में एक सिलेंडर का दाम 1241 रुपए 65 पैसे, जामनगर में एक सिलेंडर का दाम 1165 रुपए 41 पैसे, पानीपत में एक सिलेंडर का दाम 1149 रुपए 52 पैसे, कुपवाड़ा में एक सिलेंडर का दाम 1285 रुपए 32 पैसे, धनबाद में एक सिलेंडर का दाम 1210 रुपए 48 पैसे, कोल्हापुर में एक सिलेंडर का दाम 1155 रुपए 84 पैसे, जैसलमेर में एक सिलेंडर का दाम 1175 रुपए 69 पैसे, अलीगढ़ में एक सिलेंडर का दाम 1171 रुपए 28 पैसे है। दोस्तों आज एक किलो घरेलू गैस का दाम 98 रुपए 76 पैसे है। दोस्तों अगर आप अपने जिले के घरेलू गैस के भाव जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम बताएं, जहां पर हमारी टीम की तरफ से आपको घरेलू गैस के भाव प्रोवाइड कर दिए जाए।